से काम कर रही है। अभी लोगो बना रहे हैं, जैसे लोगो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूज़र फील्ड में जा रहा है, यूज़र फील्ड में जाके न्यू यूज़र फील्ड लिखा होगा, ठीक है, न्यू यूज़र फील्ड पर एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम दे रहे हैं सबसे पहले, जैसे मैं कुछ ISI का लोगो बनाना है मेरे को सपोज, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ISI और 16 के फ़ॉन्ट का बनाना है, लाइक ये 16F4 फ़ॉन्ट, ठीक है। इसके नीचे टैक्स आ जाएगा, टैक्स में ये राइट एरो दबा के काउंटर आ जाएगा, इसके बाद फिर राइट एरो दबा के लोगो आ जाएगा, लोगो पे जाके एंटर करना है। इस टाइप से स्क्रीन खुल जाएगी। अब शिफ्ट बटन दबाएंगे और ये अप एरो दबाएंगे तो एक लाइन क्रिएट होगी, ओके, ठीक है। और अगर इसको कटिंग करना है तो ये कंट्रोल बटन दबाएंगे तो इससे ये कटिंग होगा, ठीक है। अभी 16 के फॉन्ट में मेरे को लोगो बनाना है, तो शिफ्ट दबा के रखूँगा मैं, एक जैसे ये हाइट बढ़ती जा रही है इसको 16 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। एक लंबी लाइन ये क्रिएट हो गई है, इसके बाद ऐसे दूसरी लाइन लंबी क्रिएट करी है मैंने, ठीक है जी। अब मैं लोगो बना रहा हूँ ISI का, इसके अंदर ISI कुछ इस टाइप से बनता है, ये हो गया, ये हो गया। इस टाइप से इसको चलाते जाना है, अब इसको मैं बाउंड्री दे दूंगा साइड से, जहाँ ये टच हो गया मैं इसको काट दूंगा कंट्रोल बटन दबा के, ठीक है, सॉरी हाँ कंट्रोल बटन दबा के। और इधर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, और ये आपका ISI दब गया। यहाँ पे कटिंग दे रही है अगर, तो सिंपल ये एरो की से आना और लास्ट में जाके कंट्रोल से एक पॉइंट यहाँ पे काट देना और यहाँ काट देना है, ठीक है। और अगर इनको बड़ा करना है तो आप इसको दोबारा जाओ और ये शिफ्ट बटन दबा के, इनको आप बड़ा कर सकते हो। इसके बाद इसको सेव करने के लिए बड़ा कैसे करा आपने? बड़ा क्या आप कह रहे थे ना, बड़ा कर। इसके बाद सेव करने के लिए स्केप बटन दबाना, ठीक है। यहाँ पे एडिटर में आना, एडिटर में आके सेट लोगो साइज़ इसको एंटर करना है। ये पूरा जो वाइट पोर्शन है इसको सिर्फ लोगो तक ही लेके जाना है, नहीं तो आप मैसेज में डालोगे पूरा लंबा स्पेस ले लेगा। अब ये चाहते हैं कि सिर्फ लोगो लोगो का स्पेस रहे। ये इतना स्पेस हमने ले लिया, अब ये शिफ्ट दबा के रखना है और F1 दबाना है। ये लिखा आएगा एडजस्ट स्पेस अराउंड द लोगो, प्रेस एनी क्यू टू, इस पर एंटर कर दो आप। अब ये इस मैसेज में सेव हो गया। अब सपोज आपको कोई मैसेज है, यही मैसेज है, इसमें बड़ा सा लोगो डालना है, तो F4 दबाया आपने, ठीक है, इसी में ही मैं डालना बताया था। इसके बाद F2 इंसर्ट यूजर फील्ड, इंसर्ट यूज़र फील्ड में आपको लोगो का वो ढूंढना है जो नाम दिया था मैंने, लोगो फॉन्ट 16, और इस पर लिया एंटर कर दिया और ये काट दिया, ये आपका बड़ा सा लोगो आ गया और शिफ्ट F1 दबा के सेव कर देना, ठीक है। अगर लोगो यहाँ डिस्प्ले में कट के आ रहा है तो यहाँ मैसेज पैरामीटर में जाना है और यहाँ पर इसका बढ़ाना है, ये 16 तक है तो 16 I करेंगे तो ये पूरा आएगा, बस ये हो गया लोगो आपका।